रायपुर नगर निगम की अंतिम सामान्य सभा कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर गई और बजट पारित करने के लिए बुलाई गई इस सभा में एक पूर्व मंत्री की पत्नी को करोड़ों खर्च कर बनाए गए सामुदायिक भवन को सौंप देने का मामला गूंजता रहा। मेयर सहित पूर्व मंत्री बैकफुट पर रहे और आखिरकार सामुदायिक भवन को खाली करना पड़ा। राजधानी रायपुर के शताब्दी नगर इलाके में शासकीय भूमि पर बने आलीशान सामुदायिक भवन को पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया की पत्नी शकुंतला डहरिया की संस्था को सौंप दिया गया था। ये मामला सामान्य सभा में नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने उठाया, कांग्रेस को जवाब देते नहीं बना। आरोप पर आरोप के बाद मेयर एजाज जेवर ने जांच कराने की घोषणा की। रायपुर नगर निगम के उपनेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा का कहना है कि हमने इस मुद्दे को सामान्य सभा में उठाया था, तब जाकर के कहीं कार्रवाई हुई है। ये तो एक मामला है, न जाने कितनी सरकारी जमीनों पर कब्जा होगा। इसे पता लगाने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री को पत्र दिया जाएगा। शिव डहरिया जी मंत्री रहते हुए उन सामुदायिक भवन का निर्माण तो करवाया, लेकिन वो अपने पोजीशन में लेने के बाद में उन्होंने उसमें अनावश्यक जो खर्च करवाए हैं वो कहीं ना कहीं निगम में जांच के दायरे में आता है, और जिस अधिकारियों को इस जांच के दायरे में रखा गया वो भी कहीं ना कहीं मंत्री जी के करीबी रहे हैं, क्योंकि जब उनके आदेश पे वहाँ पे बनाया गया था अधिकारी वर्ग ने उस समय ध्यान नहीं दिया, तो अभी जाँच में क्या ध्यान देंगे। और रही बात शकुन डहरिया जी, वो उस जिस समिति के अध्यक्ष बताती है अपने आप को, वो वहाँ पर ऐसा कोई काम होता नहीं दिख रहा था कि वहाँ पे कोई सामाजिक कार्य हो रहे हो, सांस्कृतिक कार्य हो रहे हैं या लोगों के लिए कोई जनहित का काम हो रहा है, वो अपना पर्सनल ऑफिस के रूप में उसका उपयोग कर रहे थे। नगर निगम की सामान्य सभा में हंगामे के बाद भवन खाली करने के लिए पूर्व मंत्री की पत्नी की संस्था राजश्री सद्भावना समिति को निगम ने नोटिस दिया। 21 फरवरी को जोन कमिश्नर डीके कोसरिया ने नोटिस में 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। पड़ताल में पता चला कि नगर निगम ने पूरी प्लानिंग के तहत 3 करोड़ में सर्व सुविधा युक्त निर्माण कराया। गुरु घासीदास वार्ड 49 के तेली बांधा में शताब्दी नगर के सालिशान सामुदायिक भवन से लगा हुआ पूर्व मंत्री शिव डहरिया का पुराना मकान है। उस पूरे कैंपस को 15 फीट ऊंची बाउंड्री से घेरा गया और सामने भारी भरकम लोहे का गेट लगाया गया। नोटिस मिलने के 4 दिन बाद भवन खाली कर दिया गया है, जिसमें लाखों रुपए के LED TV भी लगाए गए थे। रायपुर नगर निगम द्वारा आम लोगों को सुविधा देने के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया था, लेकिन वहीं अब इन भवनों पर कब्जा होने का मामला जो है वो सामने आया था। दरअसल रायपुर के शताब्दी नगर इलाके में राष्ट्रीय सद्भावना समिति को इस भवन को सौंपा गया था। तस्वीरों में आप देखेंगे इस भवन का जो लोकार्पण है पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने अपने कार्यकाल में जो है वो किया था, जब वे नगरीय प्रशासन मंत्री थे, और उन्हीं की पत्नी को राष्ट्रीय सद्भावना समिति के नाम से इसे आवंटित कर दिया गया था। जबकि इस भवन का निर्माण आम लोगों को सुविधा देने के लिए, शादियां और इस तरीके के कार्यक्रमों के लिए किया गया था, लेकिन जब से यह भवन बना था इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ और इस समिति के द्वारा निजी तौर पर इसे उपयोग किया जा रहा था। मामले में जब निगम की सामान्य सभा में ये मामले को उठाया गया तो जांच समिति बनाई गई थी, और आखिरकार अब इंतजार खत्म हुआ और जांच समिति ने इस पर कार्रवाई करते हुए 4 दिन के बाद अब इस समिति का ये जो भवन है इसे यहाँ पर खाली करा दिया है, इसे कब्जा मुक्त करा दिया गया है। साथ ही बड़ी बात यह, जब इस भवन के बारे में और जानकारियां निकाली गई तो करोड़ों रुपए के LED TV भी इस भवन के अंदर से जो है वो निकाले गए हैं। फिलहाल इसे कब्जा मुक्त करा दिया गया और आने वाले समय में इसे नगर निगम द्वारा जो है वो संचालित किया जाएगा। कैमरामैन रूपेश जांगले के साथ मोहम्मद हसन, NH24/7 रायपुर।